अब दीदी नहीं आएगी, दीदी नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्यों? बस उसका कर्म ये देखिए, दीदी से लेकर के सीपीएम से लेकर दादा तक अभी तक हम लोग का रास्ता, हम लोग का इस मोहल्ला में पानी एक कतरा नहीं मिलता है। आज 25 साल हो रहा है इलेक्शन का, लेकिन हम लोग का मोहल्ला में पानी नहीं हो रहा, सबका मोहल्ला में पानी हो रहा है। दादा आएगा, दादा मतलब नरेंद्र मोदी का सीट आएगा और वो मजीद खान ही खड़ा होगा। नरेंद्र मोदी का सीट आएगा, सीट आएगा। अच्छा, आपकी तो उम्र हो गई। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो हैं वो मुसलमानों को उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। देखिए, ये अपना अपना जिसको वफात नहीं मिलता है वही देते हैं, और नहीं तो वो मर्द है, बोलता है कि हमसे लड़ो, सीना में सीना भिड़ा करके लड़ो, हम पीठ पीछे वार नहीं करेंगे। और सीपीएम, कांग्रेस, टीएमसी, ये पीठ पीछे वार करता है, सामने नहीं करता है, सामने नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इसलिए कि हम लोग को अंधा बना के रखा है। यहाँ मूर्ख आदमी ज्यादा है, पढ़ा लिखा बहुत कम है, इसी का फायदा वो लोग उठाता है। मतलब क्या आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को डरा कर रखा गया है? एकदम डराता है अपने और अंजाम देता किसी और को। कौन डराता है? तीनों पार्टी डराया, जैसे कांग्रेस भी डराया, सीपीएम भी डराया, अभी टीएमसी भी डरा रहा। जब पानी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो फायदा क्या हो रहा है?